हाय एवरीवन, अस्मास कलनी डिलाइट में एक नए रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम एक बहुत ही मज़े का बहुत ही यमी रेसिपी लेकर आए हैं जो कि है स्ट्रॉबेरी योगर्ट। बच्चे बड़े बूढ़े सब बहुत शौक से बहुत ही रफ़त से खाते हैं। आप इस एक रेसिपी से अपनी पसंद के जो भी चाहें योगर्ट फ्लेवर्ड योगर्ट जो है वो घर पे बआसानी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपलोड्स ऑन द चैनल, गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो। फॉर द कंप्लीट रेसिपी विद द इंग्रेडिएंट्स एंड द मेथड्स गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। थैंक यू। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो मैंने अज्जा लिए हैं वो है 1.5 कप दही, आधा कप स्ट्रॉबेरीज और 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप ब्राउन शुगर ले लीजिए, ब्राउन शुगर नहीं है तो वाइट शुगर ले लीजिए या हनी शहद ले लीजिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम वही दही इस्तेमाल करें जो कि हमने घर में जमाया था। सबसे पहले कंडेंस मिल्क शामिल करके जो स्ट्रॉबेरीज हैं उसकी प्यूरी बना लीजिए और उसके बाद जो दही है उसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए और उस ताकि उसमें कोई गुठली ना रहे। और उसको हमने जो है वो स्मूथ कर लिया है, बिल्कुल उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो स्मूथ हो गई है। उसके बाद जो हमने स्ट्रॉबेरीज का की प्यूरी बनाई थी उसको हम दही में शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसको फेंट लेंगे और हमारा जो है वो स्ट्रॉबेरी योगर्ट तैयार होगा। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज नहीं है या कोई और बेरीज नहीं है तो आप इसकी जगह अगर आपके पास घर में जैम मौजूद है तो आप 1 टेबलस्पून उस जैम का भी शामिल कर सकते हैं। आप 1 टेबलस्पून जैम का उस दही में शामिल कीजिए तो आपके पास घर में जो है वो होममेड स्ट्रॉबेरी या कोई और बेरीज़ का योगर्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। बेरीज़ नहीं है तो जो भी मौसमी फल है उसको मैश कर लीजिए और उसकी प्यूरी दही में शामिल कीजिए और अपनी पसंद का जो है फ्लेवर्ड योगर्ट घर पे तैयार कीजिए। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।